21, read the following. TFC is a vertical straight line parallel to the y-axis. Parallel to the y-axis. TFC is a straight line parallel to the x-axis. TFC remains the same at all the levels of output. A is true, R is A is false, R is true. क्या डाउट है बेटा इसमें? जल्दी बोलो। सर वही डाउट था कि वो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के। हाँ याला तो बेटा फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते। रिवाइंड का बटन खराब है क्या? आप पन्ने पलटते, टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व आता आपके सामने और देख के पता चल जाता। दर्द हो रहे थे? प्लीज करो, नहीं सर, आंसर ढूंढना भी आना चाहिए जब आपके पास सारा रिसोर्सेज हैं। डाउट पूछो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आंसर ढूंढना कहाँ है वो भी पता, इंपॉर्टेंट है ना, कि प्लीज, ताकि वो कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करें। सिर्फ आंसर से कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं होता, सिर्फ आंसर से तो बस वो क्वेश्चन सॉल्व होता है। हमें वो पूरा कॉन्सेप्ट कि मेरे दिमाग में वो पिक्चर नहीं छपी कि टीएफसी की शेप आ जानी चाहिए आपके सामने, जैसे टीएफसी का क्वेश्चन है, तो गलत नहीं होगा। जब भी कॉस्ट के किसी के भी आए जिनके ग्राफ्स हैं, उनसे तो बचना बहुत आसान है कि सीधा आपने ग्राफ विजुलाइज करा, हद से ज्यादा ग्राफ बना दिया आपने सामने, तो बच जाएंगे। चलो 21st, 22nd, AFC कर्व कैन नेवर टच द वाई एक्सिस। AFC कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ना वो वाई एक्सिस को टच करता है ना एक्स एक्सिस को टच करता है। कैन नेवर टच द वाई एक्सिस। टीएफसी कर्व, टीएफसी कैन नेवर बी जीरो। TFC can never be zero. बात तो सही है, TFC can never be zero. But y-axis पे आता है आउटपुट का रोल। TFC can never be zero. TFC can never be zero, तो AFC will never be zero. तो न्यूमरेटर का रिजल्ट आता है कि x एक्सिस को टच नहीं करता। x एक्सिस को टच करने का रीजन क्या होता है? ऐसे देखते ना कि सर क्या बोल रहे हो। अच्छी चीज। चलो कोई बात। आज के दिन लगता थोड़ी मेहनत लिखी है। ध्यान से देखना ठीक है। तो बात है AFC कर्व कैसा होता है? स्क्रीन विजिबल है ऑनलाइन? ठीक यस सर, है जी। जे है वाई एक्सिस, जे है एक्स एक्सिस। यहाँ पे आता है आउटपुट, यहाँ पे आता है AFC। अब ये वाई एक्सिस को कभी टच नहीं करता। वाई एक्सिस की बात हो रही है क्या? वो एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं या वाई एक्सिस? वाई एक्सिस वाई एक्सिस कैन नेवर टच वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस को कब टच करेगा कोई भी चीज? कब वाई एक्सिस से कब स्टार्ट होगा? जब उसकी जीरो लेवल पे भी कोई वैल्यू है। यस और नो? जीरो लेवल पे भी कोई वैल्यू है। एवरेज फिक्स कॉस्ट की फॉर्मूला क्या होता है? टी एफ सी अपॉन क्यू। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट द वैल्यू ऑफ AFC इज इनडिटर्मिनेट, इज इनडिटर्मिनेट, देयरफॉर इट कैनॉट टच द वाई एक्सिस। इट इज नॉट जीरो, TFC इज नॉट जीरो, तो AFC विल नेवर टच द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को कब टच करेगा? जब ये वैल्यू जीरो है। जीरो लेवल पे फिक्स कॉस्ट तो इनकर हो रही है, वो आपको यह करके, जीरो लेवल पे तो फिक्स कॉस्ट इनकर होती है, तो फिक्स कॉस्ट कहां से शुरू हो रहा है? फिक्स कॉस्ट यहां से कहीं से शुरू हो रहा है, वो तो वाई एक्सिस से शुरू हो रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है। AFC नहीं करता। बताओ सही बात की गलत बात? कह रहा है AFC नहीं करता, बट उसका रीजन ये नहीं है क्योंकि TFC की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। उसका रीजन ये है कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे एवरेजेस नहीं कैलकुलेट हो सकती। तो ये रीजन, बातें दोनों सही हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो सर इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है फिर? AFC इज
इनडिटर्मिनेट। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। क्लियर? विद आउट? सर, यस। सर आपने लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था कि टीएफसी भी जीरो हो सकती है, कि टीएफसी फिक्स्ड कॉस्ट जीरो हो सकती है सम होता है केसेस क्या? में। मैंने क्या बताया था कि हाँ बताया था, मैंने क्या बताया था, मैंने कहा न्यूमेरिकल्स में अगर दे रखे आपको वैल्यू टीवीसी और टीएफसी ना दे रखी है ना जीरो हो सकती है, उन सिनेरियोज में लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के केस में हम अज्यूम कर लेंगे न्यूमेरिकल दे रखा है आपको, जीरो लेवल पे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, सिर्फ आपको वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे आप फिक्स कॉस्ट निकाल सकें, उस सिनेरियो में हम अज्यूम करते हैं कि फिक्स कॉस्ट जीरो है, नॉर्मली नहीं, ठीक है ना? वो एक्सेप्शन सिनेरियो है न्यूमेरिकल के लिए लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से कि आप निकाल ही नहीं सकते तो आपको अजम्पशन लेनी पड़ेगी उसको क्लोज करने के लिए। टीएफसी कैन नेवर बी जीरो कंसेप्चुअली, कंसेप्चुअली न्यूमेरिकली कुछ भी हो सकता है, न्यूमेरिकली कुछ भी हो सकता है। प्लीज कोई चीज किस कंटेक्स्ट में यूज हो रही है वो बहुत जरूरी है। टीएफसी का कर्व ही क्या है बेटा, टीएफसी के शेप ही कैसी है, टीएफसी की तो शेप ही यही है हमेशा, तो ये तो बड़ा क्लियरली बोल रहे कि टीएफसी कैन नेवर बी जीरो, बट मैं कह रहा हूं कि न्यूमेरिकल्स में अगर आपके सामने इंफॉर्मेशन आ गई जिसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही दे रखी है, फिक्स कॉस्ट नहीं दे रखी, नहीं निकल सकती, तो हम अजम्पशन लेते हैं, हम अजम्पशन लेते हैं। ओके, विद आउट? नो सर। चलो 23, नॉर्मल प्रॉफिट इज ट्रू है जी, नॉर्मल प्रॉफिट इज द इम्प्लाइड इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ, नॉर्मल प्रॉफिट इज द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ एंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए 23rd का ए, ओके सर। अभी एक्सप्लेन हो गया ना, वो तो डिस्कशन में आ ही गया हमारा, ठीक है।